प्रणाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत है हम ज्योति शुरू करी मैथिली सिनेमा चर्चित कलाकार राउत के निधन भेल संबंधी समाचार सब मैथिली सिनेमा चर्चित कलाकार बद्री राउत के हृदयघात भ पर निधन भेल मैथिली सिनेमा तथा चर्चित टेली श्रृंखला हुक्का लोली के मुख्य पात्र समेत रहल बद्री काका नाम से चिन्हल गेल राउत 60 वर्षक उमेर में रवि दिन भिनसर निधन भेल शनि के अचानक ब्लड प्रेशर समस्या भकल जनकपुर धाम के काव्या अस्पताल के आईसीयू में भर्ना भेल राउत के रवि दिन भिनसर हृदयघात भकर निधन भेल चिकित्सक जनौनी अछि चारिटा बेटी आ एकटा बेटा के पिता समेत रहल वयोवृद्ध अभिनेता राउत अभिनय कला केलाक बादो ओहिसँ पेट भर नहि पुगलाक बाद पिराड़ी चौक में नाश्ता के दुकान संचालन करैत आयल छलथि राउत लगभग 4 मैथिली सिनेमा में अपन अभिनय प्रस्तुत क चुकल छन जनकपुर धाम से प्रसारण होते आयल टीवी टुडे जनकपुर के चर्चित टीवी सीरियल हुक्का लोली में विगत 4 वर्ष से निरंतर अभिनय करैत आयल छलनि विभिन्न टीवी सीरियल में काज करैत आयल वृद्ध कलाकार राउत एखन धरि कोनो पुरस्कार समेत पा नहि सकल छल हुक्का लोली के निर्देशक तथा कलाकार बी एन पटेल के अनुसार राउत के निधन से मैथिली कला क्षेत्र के लेल पैघ क्षति भेल बताओल गेल अछि अति मिलनसार व्यक्ति के छवि बनौने राउत के जनकपुर टुडे के संपादक ब्रिज कुमार यादव संवेदना व्यक्त के निशाय संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के विरोध करैत नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा बैसार अवरोध कलक नेपाली कांग्रेस सरकार अन्य अध्यादेश के असंवैधानिक भेल ठहर करैत आगू बढ़ नहीं सकबाक बतौलनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जबरदस्ती आगू बढ़ाब चाहलाक बाद कांग्रेस बैसार अवरोध कलक कांग्रेस के विरोध बाद सभामुख सापकोटा 10 मिनट के लिए संसद बैसार स्थगित कलक ओहिसँ पहिने नेकपा दहाल नेपाल समूह बैसार बहिष्कार केने छल सभामुख सापकोटा अध्यादेश लगायत के विषय बैसार के कार्यसूची में तय केलाक बाद दहाल नेपाल समूह बैसार बहिष्कार केने छल सांसद भीम रावल कार्यसूची से अध्यादेश लगायत के विषय हटाब पड़बाक मांग केलाक बादो सभामुख सापकोटा ऐसे पहिने कार्यसूची तय भ चुकल कहत ओ विषय हटाब नहि सकबाक जवाब दिलाक बाद दहाल नेपाल समूह सांसद सब बहरायल छल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च के फैसला अपना सब मानव बतौलनि रवि दिन बजाओल गेल संसद बैसार से बाहर निकलबाक क्रम में प्रधानमंत्री ओली एहन प्रतिक्रिया दिलथि प्रधानमंत्री कहलनि सर्वोच्च अदालत के फैसला के मानव पूर्ण पाठ पढ़लाक बाद थप प्रतिक्रिया देव तहिना नेकपा दहाल नेपाल समूह अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड नाम संबंधी विवाद बारे सर्वोच्च अदालत सुनाने फैसला अपेक्षा से फरक रहल बतौलनि दहाल अपना सब सोचने से फरक आदेश आयल बतौने छनि ओ कहलनि हम सब सोचने से फरक आदेश आयल लगैत अछि फैसला निक से अध्ययन क थप टिप्पणी करब सिरहा में बलात्कार आरोप में पुलिस एक युवक के पकड़लक अछि पकड़ायल पड़ल में धनुषा के धनुषाधाम नगर पालिका 6 हरिपुर घर भ सासुर गांव कल्याणपुर 4 महुलिया रहनिहार 28 वर्षक वैद्यनाथ दास रहल पुलिस जनौने अछि दास ऊपर स्थानीय 24 वर्षक एक युवती के बलात्कार केने आरोप लागल अछि फागुन 19 गते बुध दिन बेरिया करीब 1 बजे के समय में अपन बेटी के दास लला फुसला का बलात्कार केने कहत शुक्र दिन पीड़ित के माय मिर्चैया प्रहरी में मौखिक जानकारी देने छली हुनक उजड़ी पश्चात दास के पकड़ल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया का प्रहरी नाव उपरीक्षक राजेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देने छन घटना बारे में आवश्यक थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा का प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज भंडारी जानकारी देने छन मोटरसाइकिल के ठक्कर से गंभीर घायल भेल एक पुजारी के रवि दिन भिनसर इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बीतल शुक्र दिन पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत 70 के शंभुनाथ सड़क खंड में बाट काट लागल समय तीव्र गति में आबि रहल 240-2215 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देला से गंभीर घायल भेल रौथट के देवाही गोनाही नगर पालिका 9 निवासी 65 वर्षक ब्रह्मदेव साह के इलाज के क्रम में रवि दिन भिनसर मृत्यु भेल घटना लगले प्रहरी उधार क स्थानीय यूनिक अस्पताल में पहुंचाने सा के अवस्था में सुधार नहीं देखल गेला के बाद विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में भर्ना करल गेल छल इलाज के क्रम में हुनक निधन भेल डीएसपी भुवनेश्वर साह जानकारी दिलन सा के ठोकर देने मोटरसाइकिल आ चालक शंभुनाथ नगर पालिका 6 निवासी 30 वर्षक मोहम्मद रमजानी प्रहरी नियंत्रण में रहल आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ाओल गेल प्रहरी जनौनी अछि 12 के इटवाल स्थित राम मंदिर के मूल पुजारी रहल सा तीर्थ यात्रा के क्रम में बस चढ़ 12 क्षेत्र दिस जा रहल छल बाद में शौच के लेल उतरल समय अचानक मोटरसाइकिल ठक्कर देला से उक्त दुर्घटना में पड़ल डीएसपी शाह बतौलनि नेपाल में रवि दिन 66 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 274,721 पहुंचल तहिना 58 गोटे संक्रमित कोरोना मुक्त भेल तो हाल धरि 270,886 गोटे कोरोना मुक्त भेल गत 24 घंटा में ककरो भी मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि नेपाल में कोरोना के कारण हाल धरि 3,010 गोटे के मृत्यु भेल हाल 825 गोटे आइसोलेशन आ 53 गोटे क्वारंटाइन में छथि हाल धरि नेपाल में 21,93,836 टा पीसीआर कैल गेल मंत्रालय जनौने अछि
14 वर्ष पहिने रोथर के गौर में भेल हत्याकांड घटना के पीड़ित परिवार दोषी के कार्यवाहीक मांग केने अछि। गौर हत्याकांड संघर्ष समिति रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क दोषी सबके कार्यवाहीक मांग केने अछि। दोषी सबके कार्यवाही ने कैल गेल त भद्रकाली में अनशन बैसबाक समेत ओ सब चेतावनी देने छथि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत गौर हत्याकांड संघर्ष समितिक संयोजक रूप सागर उपाध्याय दोषी के कार्यवाही के मांग कैलनि। घटना भेल 14 वर्ष बीत चुकलाक बादो आई धरि दोषी सब ऊपर कार्यवाही होब नहीं सकल उपरागो कैलनि। ओ सरकार घटना में शहीद भेल सबके शहीद घोषणा कर आ घायल भेल सबके उचित इलाज कर सरकार संग मांग कैलनि। गौर घटना में शहीद भेल साथी सबके सरकारक दिस से शहीद घोषणा कर समेत ओ आग्रह कैलनि। व्यक्तिगत रिसिभी र राजनीतिक झडपको रूपमा नभई सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण तौरबाट घटाइएको यस घटनाले मुख्यत राष्ट्रिय स्तरका सबै राजनीतिक दलहरू पहाडिया वर्गको राजनीतिक दल हुन्। यस्ता दल र यिनका कार्यकर्ताहरूलाई तराई मधेस क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा छिर्न र राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। पहाडिया वर्गलाई तराई मधेस क्षेत्रबाट आम रूपमा लखेट्नुपर्छ। यहाँ मधेसी दलले मात्र राज गर्नुपर्छ भनी मधेसको नागरिकहरूलाई जातीय घृणा द्वेष अवहेलनाका भ्रम फैलाई मधेसको कथित मठाधीश मसिया भन्ने स्वार्थ लुकेको र शान्ति प्रक्रियामा रहेको नेकपा माओवादीको हत्या गरेमा आफूलाई अझ बढी उत्कृष्ट एवं शक्तिशाली बन्ने अभिष्ट लालसा उपेन्द्र यादवमा निहित रहेको थियो। घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनको लागि गठित भएको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले घटनालाई राजनीतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानुषिक र मानवीय अपराध गरेको भनी निष्कर्ष दिए तापनि अपराधमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही नगरेकोले र उटवर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति 2064 चैत्र 28 गते जाहेरी दर्ता भएको आज 14 वर्ष बितिसक्दा पनि कारवाही भएको छैन। अमानवीय र विभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका हत्यारा अपराधीहरूलाई वर्षौँ वर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारवाही नगरेको कारणले पीडितहरूको घटना के घायल तथा पीड़ित मनोज कुमार यादव राजन घाल सबके इलाज राज्य शोभ पर बाक बतौलन। ओ शहीद परिवार के बाल बच्चा पालन पोषण आ घर निर्माण क देबाक लेल सरकार संग आग्रह कैलनि। आब आर्थिक समाचार। हप्ता के पहिल दिन आई सोना के दाम बढ़ल। आई सोना के मूल्य आई 500 रुपया से बढ़कर भरी में 86,100 रुपया तोकल गए। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी आज चांदी के मूल्य आई घट पड़ने भेल। आ चांदी आयोग कैले सन भरी में 1,250 रुपया में कारोबार भ रहा। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौनी आज। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सैन्य कु भेलाक बाद भागिक भारत प्रवेश केने प्रहरी के फिर्ता कर भारत सरकार के म्यांमार आग्रह केने अछि। म्यांमार के किछ प्रहरी परिवार सहित भारत गेलाक बाद म्यांमार भारत सरकार के पत्र पठा कर फिर्ता कर देबाक लेल आग्रह केने बीबीसी जनौनी अछि। म्यांमार के अधिकारी भारत के पठाने पत्र में मैत्रीपूर्ण संबंध कायम राख से म्यांमारक प्रहरी अधिकारी के घुराव सहयोग कर भारत के आग्रह कैल गेल अछि। म्यांमार में गेल महीना भेल सैन्य कु बाद विरोध प्रदर्शन भ रहल अछि। म्यांमार के सेना प्रदर्शनकारी पर दबाव बढ़ावित लगेल। विरोध प्रदर्शन के क्रम में म्यांमार में अखन धरि 55 गोटे के जान जा चुकल। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार प्रमुख मिशेल बैसलेट म्यांमार में 29 पत्रकार सहित सांसद प्रदर्शनकारी क 1700 से बेसी व्यक्ति पकड़ल बताल गेल। म्यांमार में भेल सैन्य कू के विश्व के बहुत देश आलोचना करैत आयल। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।